नैरेटिव सेटिंग की जो लड़ाई है उसमें हिंदू हमेशा पीछे रहे हैं। जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं उन्होंने हमेशा नैरेटिव को सेट किया। उसका समय बड़ा एग्जांपल है गोधरा का पूरा कांड। गोधरा में 59 हिंदुओं को मार दिया गया मुसलमान के एक टोले के द्वारा, और बाद में उसके सामने हिंदुओं का रिएक्शन हुआ जिसके अंदर भी काफी इनोसेंट मारे गए, गलत तरीके से मारे गए। लेकिन नैरेटिव क्या सेट किया एंटी हिंदू फोर्सेस ने कि वो जो गाड़ी जलाई थी जिसमें 59 हिंदू मर गए थे वो मारने का काम आरएसएस ने, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने किया था। ये प्रोपेगेंडा चलता रहा 10 साल तक जब तक हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आया। तो अच्छा उसी एपिसोड के अंदर किस तरीके से इन्होंने विटनेसेस को मैनिपुलेट किया, इनोसेंट हिंदूज को जेल में डाला, उसके भी खूब सारे दाखले हैं। मैंने खुद को उसको एक्सपोज किए। और एक बड़े स्तर पर देखे तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को एक छोटे रूप में दिखाने का जो प्रयास हुआ है वो भी एक नैरेटिव सेटिंग का ही प्रयास है। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज को हम राजा कहते हैं, असल में अगर आप देखेंगे जब उनका स्वर्गवास हुआ 1680 में तब वो सम्राट थे, क्योंकि उनकी राज्य की लंबाई जो थी वो 1600 किलोमीटर की थी। दक्षिण गुजरात से उसका आरंभ होता था और चेन्नई के आगे जाके 200 किलोमीटर आगे जाके उसका अंत होता था। ये जो लंबाई है 1600 किलोमीटर की, ये काबुल और दिल्ली का जो अंतर है उससे ज्यादा है। काबुल से दिल्ली का जो अंतर है वो 1400 किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो शिवाजी महाराज का जब स्वर्गवास हुआ 1680 में तो वो सम्राट थे। हमको बताया जाता है कि सरदार थे, कोई बोलता है राजा थे। और दूसरा जो काम किया उन्होंने, जो हिंदू विचार का जो एक उन्होंने पाया डाला जिसके वजह से मुगल सल्तनत का बाद में अंत आया, ऐसे व्यक्ति को तो एक हमें एक बहुत बड़े युग पुरुष के रूप में देखना चाहिए। और हमको दिखाया जाता है कि भाई वो एक मराठा राजा थे या सरदार थे। तो नैरेटिव सेटिंग की लड़ाई बहुत बड़ी है, इसमें हिंदुओं को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ये लड़ाई अभी भी चल रही है, जिस तरीके से हमारी सरकार के सामने, दिल्ली सरकार के सामने जो नैरेटिव सेट हो रहा है विश्व लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उसके अंदर भी नैरेटिव सेटर्स जो हैं हिंदू विरोधी उनका एक हाथ दिखाई देता है। तो हमें इसमें एक स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग करना पड़ेगा अगर हमें ये लड़ाई जीतना है तो। नमस्कार।